चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज द जोश। आज भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया है, ठीक है, और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। दूसरी एक और अच्छी खबर है आपके लिए कि आपके ही बीच के दो साथी यहाँ पे अमित चौहान और सत्यम श्रीवास्तव का सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। उन्होंने मैसेज किया हुआ है, व्हाट्सएप भी किया है, और सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब पे मैसेज आए हैं, ठीक है। आपके यूट्यूब में कमेंट किया हुआ है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, ठीक है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, अमित चौहान और सत्यम श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे, करड़ी और घातांग, ठीक है, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग आज सीखेंगे क्या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से चीज़ें, जैसे यक्स की वैल्यू आपको क्या दी हो, जैसे कभी यक्स की वैल्यू आपको दे दी जाए 1/2 + √3 और आपसे पूछे 1/x की वैल्यू। यहाँ पे मैं अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा, मैं करड़ी और घातांक की बात कर रहा। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें निकालूंगा, ठीक है, कैसे निकलेंगे देखना। अगर सॉरी यहाँ पे दिया हो 2 + √3 और आपसे पूछे 1/x की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तब देखिए 1/x करेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 + √3। हमने इसको लिख दिया 1/2 + √3। अब जब इसको सॉल्व करना होगा, याद रखना हमेशा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे 2 - √3 और यहाँ भी हो जाएगा 2 - √3, इतना किया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर तो बचा 2 - √3, नीचे क्या हुआ, a + b और a - b बन रहा है। एक चीज़ देखिएगा, a - b और a + b कई गुणा कराओगे होगा हमेशा a² - b² a - b और a + b का जब गुणा कराते होता है a² - b², यानी यहाँ पे ऊपर तो बचा 2 - √3, यहाँ पे a + b a - b, यानी 2 a² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, यानी इसका मान आ गया 1, यानी पूरा का पूरा आंसर आपका कितना बचा 2 - √3, ठीक है। अपान में 1 आया था जिसका कोई मतलब ही नहीं, यानी यहाँ पे आया 2 - √3। एक सवाल से और समझते हैं, जैसे दिया होता आपको यक्स की वैल्यू 5 + √6 और आपसे पूछता 1/x की वैल्यू बताइए, तब करेंगे 1/5 + √6, ठीक है, कंजुगेट से गुणा कराएंगे 5 - √6, यहाँ भी हो जाएगा 5 - √6। अब जब इतना सॉल्व करेंगे, ऊपर बचा है 5 - √6, नीचे बचेगा, ठीक है, देखिए a + b a - b 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 2√6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, √6 का स्क्वायर 6 6 = 24 यानी -24, ये नीचे बचा 1, यानी ये भी पूरी तरह से हट जाएगा, 1 बचा, यानी आया 5 - √6। यहाँ से हमको एक रिजल्ट ये मिलता है, ठीक है, हम रिजल्ट देख रहे हैं, हमको उससे काम था। अगर कभी भी संख्याओं में लिखा मिल जाए आपको 2 + √3 या 1/5 + √6, तो आपको इसका कंजुगेट करा के गुणा कराना होगा, तभी ये सॉल्व होगा। तो यार ऐसा कभी मिल जाए तो आपको ये चीज चेक करना है, यहाँ पे जो हर में वैल्यू है क्या इनका स्क्वायर करने पे, जैसे इसका स्क्वायर कितना होगा 3, क्या इनका डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा होगा, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिखनी है 2 - √3। जैसे यहाँ पे देखा 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2√6 का स्क्वायर करोगे, 2√6 का स्क्वायर जब आप करते हो तो आएगा 24, अंतर आया 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 - √6, डायरेक्ट आपको कहीं भी सवाल में मिल जाए। एक सवाल और देखते हैं, ठीक है, जैसे लिखा है आपका 3 + √2, अभी से मिल गया। अब चेक करते हैं क्या अगर कहीं भी सवाल में मिला होगा, ऐसे प्लस में सवाल होंगे तो इसको अगर जब सॉल्व करना होगा, यहाँ पे हो सकता है 3 भी लिखा हो, ठीक है, इससे हमको नहीं मतलब, हमने नीचे देखा हमको ये मिला, तो इसके कंजुगेट से गुणा करा करेंगे या फिर चेक करेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9, 2√2 का करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी हो जाएगा 8, इनका आंसर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर कितना, ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, यानी 1 आया। जब डिफरेंस 1 था तो यानी हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कितना 3, और ब्रेकेट में देखो 3 था अलग से, यानी ऊपर चला जाएगा 3 - √2। यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट को सीखा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम ना रहा, ठीक है, मान लेते हैं इतना होता 3 + √2, तो हमारे सामने क्या ऑप्शन बचता है, इसका कंजुगेट से गुणा कराएंगे, ठीक है, a - b और a + b का लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, इसी सवाल में यहाँ पे 3 + √2 है, ठीक है, अब क्या करेंगे 3 - √2 से ऊपर 3 - √2 से नीचे गुणा कराएंगे, a + b a - b होगा, a² यानी 9 और इसका स्क्वायर करोगे 2, यानी नीचे आ गया 7,
ठीक है, ऊपर क्या बचा है 3, 3 - √2, नीचे अपन में बचा है 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, जब कड़ी के रूप में संख्याएं लिखी होंगी तो उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे आपको इसी का वर्गमूल निकालना होता 5 + √6। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ें आपको समझनी है। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² - b² + 2ab, और दूसरा है a - b² a² + b² - 2ab। ठीक है, अब आपको इसका बताना है, ठीक है, वर्गमूल कैसे होगा। यानी हमको ध्यान से देखना, आपको संख्याएं दी होंगी इस रूप में या इस रूप में, आपको आंसर इस रूप में या इस रूप में बताना होगा। तब कैसे बताएंगे उसको ध्यान समझिएगा। यानी ये जो रूप लिखा होगा a² + b² + 2ab, अगर माइनस वाला रूप होता तो यहाँ पे माइनस लिखा होता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसको बताने के लिए आप देखो करोगे क्या, इसको हम एक बार साइड में लिखते हैं 5 + √6। और ये समझना हमसे इससे नहीं मतलब है, ठीक है, इसको चेक करना तो पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सारी चीज़ें जो निकल के आएंगी ए और बी का मान, इस पर डिपेंड कर रहा होगा। जैसे देखते हैं यहाँ 2√6 है, जहाँ पे 2 दिखेगा आपका वही मान होगा 2ab का। ठीक है, यानी ये वैल्यू हो गई 2ab का। अब आपको क्या करना है, देखो 2 यहाँ भी है, कंपेयर करते नहीं है, ए और बी का मान ढूंढते हैं, यानी हट गया। ए और बी का ऐसा कोई मान ले लो, ठीक है, जिनका गुणा करने पे √6 आए, और उसका स्क्वायर करके देखो, ए और बी का ऐसा मान लेना है जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए √6, क्योंकि इसके स्थान पे यही लिखा था, और इनका स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए 5। तब इसका देखिए गुणा, जब फैक्टर ढूंढेंगे तो एक मिल सकता है √3 × √2। देखो इसका गुणा करने पे आपको √6 मिलेगा, और इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे कितना मिलेगा 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा √3 + √2। ठीक है, इसका स्क्वायर मिल जाएगा, और जब इसको बाहर लोगे तो हो जाएगा 3 + √2। क्लियर हो गया, देखिए कैसे, ये इतना है, आप इसका स्क्वायर कर दो, होगा कितना 3√2² + 2a × b, यानी आ गया कितना, गया √6, यानी 5 + √6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 + √6। तो आपको क्या करना है, एक बार और देखना, हमेशा कभी भी संख्याएं लिखी हूँ आप इससे पहले देखो 2√6 था, ये हो सकता है 2ab हो, 2 से कोई मतलब नहीं, a और b का ऐसा मान लेना है कि जिसका गुणा कराने में √6 आए, यानी इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाओ और इनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो 5 मिले। a की वैल्यू हमने ले ली √3 और b की वैल्यू कितना ले ली √2। ठीक है, इन दोनों गुणा कराने में √6 आ जाएगा, और इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे देखो 3√3² होगा, √2 का 2 होगा, जोड़ने पर आ जाएगा 5, यानी आपका आंसर कितना आ गया √3 + √2² होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका जब यहाँ से होल स्क्वायर है तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी √3 + √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक सवाल से और समझते हैं। अब देखिए आपके सामने 6-7 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं, इनकी मदद से इनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 8 - √12। ठीक है, अब अगर यहाँ माइनस बना तो आपका हमेशा बनेगा a - b² होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए ये तो हमको फिक्स हो गया, ये बनेगा a² + b² - 2ab। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है a - b² होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और a प्लस बी होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता, तो ये वैल्यू 8 की होगी। ठीक है, यानी इसके लिए बचती क्या है ये, तो इसको देखते हैं 2√12, और ये है 2ab, यानी 2 से 2 तो कंपेयर करने पे हट गई, यानी ab की वैल्यू आई √12। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, a और b का ऐसा मान चूज करना है जिनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो आपको 8 मिल जाए। ठीक है, क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके, देखो फैक्टर बनेंगे √4 × √3, अगला फैक्टर बन सकता है √6 × √2, या एक और फैक्टर बन सकता है √12 × 1। यही 3 फैक्टर नॉर्मली बन रहे होंगे। जब ये 3 फैक्टर आपके बन रहे थे यहाँ पे, तब देखते हैं किसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 8 आएगा। देखो इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, लेकिन इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर 6 होगा, इसका स्क्वायर 2 होगा, और दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ये √6 - √2 का होल स्क्वायर बनेगा। बस आपको यहीं से इतना ही चेक करना रहता है, और यहाँ से √6 - √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 + 4√3। यहाँ पे देखो अभी हमने दो क्वेश्चन पढ़ा जहां पे 2 लिखा हुआ था, अब दो नहीं रहेगा वहां पे कुछ और वैल्यू रहेगी, तब कैसे करेंगे? जिनको आ रहा है जल्दी से करके कमेंट करिए, जिनको नहीं आ रहा है देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7 + 4√3 था, यहाँ पे देखो हमको यहां से ना मतलब नहीं, इसी वैल्यू से मतलब होता है 4√3, इसके स्थान पे लिख सकते हैं 2ab। यहाँ पे हमको 2ab चाहिए, यहाँ पे 4 है यानी इसको हम 2 के रूप में बनाते हैं, 2 × 2√3 कर दिया। अब 2 के बराबर ये 2 हो गया, इसको हटा दिया यानी ab की वैल्यू आई 2√3। अब ab की वैल्यू 2√3 है, हम इसका ऐसी वैल्यू ऐसे मतलब इन दोनों इसमें से ऐसे फैक्टर अलग करेंगे जिनका स्क्वायर करके जोड़ दो 7 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू हमने 2 ले ली, b की वैल्यू कितना ले ली, √3 ले ली। ठीक है, a की वैल्यू 2 ले लें, b की वैल्यू √3 लें, चेक करते हैं 4 और बी का यहाँ पे इसका करेंगे 7 मिल रहा है आपको, यानी कि हमारा काम हो गया जी, 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा और इसमें से बाहर ले लोगे 2 + √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 − 4√3, इसमें भी देखिए सेम लिखा हुआ था 13 − 4√3, तब देखते हैं क्या है, यहाँ पे 4√3 है, ये 2ab है, 4 को हमने लिखा 2 × 2 के रूप में, अब यानी 2 से 2 ये कंपेयर कर लिए, a और b की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे 13 आए। ठीक, a और b की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे 13 आए, अगर स्क्वायर करके जोड़ दो क्या कोई ऑप्शन बचता है, हम देखेंगे ये 2 अलग है, ठीक है, रूट में नहीं है। a की वैल्यू 4, अगर 2 ले लें 4 होगा, b की वैल्यू √3 ले लें 3 होगा, 7 ही हो रहा है, 13 तो मिल नहीं रहा, तब उसके लिए करेंगे क्या, इसको एक बार अंदर ले चलते हैं। ठीक है, अगर 2 अंदर जाएगा 4 होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल ही 2 बाहर निकल के आया होगा, यहाँ पे 4 × 3 हुआ यानी ये आ गया टोटल √12। अब इसके फैक्टर देखते हैं क्या बन सकते हैं, अगर बाहर से जैसे पिछले क्वेश्चन बन गया तो ठीक, नहीं तो हमने अंदर ले गया। अब इसके फैक्टर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा √4 × √3, इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे 13 नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर मिलेगा √6 × √2, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तब भी नहीं मिलेगा। तब एक और ऑप्शन हो सकता है, हम फैक्टर ले लें √12 × 1, क्या इनका स्क्वायर करके जोड़ने पे मिलेगा, जी हाँ, इसका 12 आएगा, इसका 1 आएगा, जोड़ दोगे 13 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया √12 − 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां से बाहर आएगा √12 − 1, जब √12 − 1 आया तो इसको हम लिख कितना 4 × 3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2√3 − 1, आपका आंसर कितना हो गया 2√3 − 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 − 4√3, 8 − 4√3, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, 4√3 हमारे पास होता क्या है 2ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 में, 2 से 2 की बात खत्म हो गई, a और b बचे, हमको इनको ऐसे फैक्टर करने कि हमको 8 मिल जाए, जब कुछ नहीं मिल रहा था यहाँ करने पे, तो हम क्या करेंगे अंदर ले चलेंगे, √12 होगा, √12 फैक्टर करते हैं कितना, √4 × √3, 4 × 3 = 12 होगा, नहीं हो रहा, √6 × √2, 6 × 2 = 12 होगा, और इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, यानी √6 − √2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में मिला और यहाँ से बाहर आ जाएगा √6 − √2, ये आपका आंसर हो गया। एक चीज याद रखना, कभी भी जब माइनस का क्वेश्चन हो तो हमेशा जो ए की वैल्यू होगी उसको बड़ा लेना, ठीक है, बी की वैल्यू हमेशा छोटा लेना, लेकिन जब प्लस का क्वेश्चन हो तो हमेशा ए की वैल्यू बड़ी भी ले सकते हो और बी की वैल्यू छोटी, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कोशिश करना जब माइनस का क्वेश्चन हो तो ए की वैल्यू हमेशा बड़ी लेना और बी की वैल्यू छोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 52 + 30√3। अब यहाँ पे देखते हैं 52 + 30√3 था, हम हर बार यहाँ से क्या करते थे, आसानी से अंदर भेज दे रहे थे या इसके ऐसे फैक्टर कर रहे थे, हमको ये मिल जा रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे 30√3 था, हमको 2ab चाहिए, तो कोशिश करते थे इसको लिखेंगे 2 × 15, 2 से 2 कट गया यानी 15√3 बचा। अब क्या a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 3√3 लेने पे कुछ होगा, 15 का स्क्वायर करोगे ज्यादा हो जाएगा, हमको केवल 52 चाहिए था, ठीक है, 225 आ जाएगा, तब क्या करें इसके लिए, तब यहाँ पे कुछ और फैक्टर करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम 15 को लिख दें 3 × 5, 15 हो गया, √3 लगा ही हुआ था यहाँ पे,
ठीक है, तब चेक करेंगे क्या ए और बी की ऐसे कुछ भी कॉमन वैल्यू ले ले। जैसे देखो ए की वैल्यू हम रूट थ्री के एक बार इसके साथ लगा देते हैं, बी को एक इसके साथ, क्या चेक होगा? ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू अगर हमने लिए थ्री रूट थ्री, ठीक है, तो देखिए तीन का स्क्वायर कितना होगा, नौ, नौ रूट थ्री का स्क्वायर तीन होगा, नौ गुड़े तीन हो गया, प्लस बी क्या करेंगे कितना, पांच का स्क्वायर पच्चीस, ये सत्ताईस प्लस पच्चीस आ गया 52। यानी हमने क्या पेयर लिया है, एक पेयर लिया है थ्री रूट थ्री का और दूसरा पेयर कितने का लिया है, फाइव का। बस हमको यहाँ पे मान मिल गया था, यानी हम लिख सकते हैं फाइव प्लस थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर निकल के आएगा फाइव प्लस थ्री रूट थ्री, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वहां पे लिखा है रूट ट्वेल्व, रूट के अंदर ट्वेल्व प्लस रूट वन फोर्टी, उसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या हुआ है, अभी तक जो हम लोगों ने सॉल्व कर रहे थे, या तो हमको यहाँ पे दो मिल गया था, या तो यहाँ से दो से ज्यादा वैल्यू थी, ऐसा कुछ फैक्टर कर रहे थे, या तो अंदर भेज के या फिर ऐसे डायरेक्ट फैक्टर कर रहे थे, हमको ये मिल जा रहे थे। यहाँ पे क्या किया, बहुत बड़ी वैल्यू थी तो हमने इसको टुकड़े में तोड़ के 52 पाया। अब यहाँ पे ना तो दो है पहली बार, ठीक है, अगर दो नहीं है तब क्या करेंगे, तब आपके लिए एक चीज ये बचती कि यार इसके ऐसे फैक्टर करो कि बाहर दो आ जाए। जैसे हम 140 को, रूट 140 को लिख सकते हैं रूट 35 इंटू फोर लिखा, ठीक है, रूट 35 इंटू फोर हो गया, अब फोर से आपका दो बाहर आ जाएगा, यानी अंदर क्या बचा, रूट 35। ठीक है, जब रूट 35 बचा, आपको क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करना है कि इसको गुणा करने पे, सॉरी इसके स्क्वायर करके ऐड करने पे कितना आ जाए, रूट 12 आ जाए। जब आपको 2 रूट 35 मिल ही गया, यानी 2ab, यही तो मतलब होगा, यानी 2 रूट 35 हुआ था, यानी 2 रूट ab, 2ab की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये दो से दो कंपेयर हो जाएगा, a की वैल्यू आप ले लो रूट 7 और b की वैल्यू हो जाएगी रूट 5। ठीक है, इनका गुणा करते हो रूट 35 आ जाता है, यानी आपका आंसर होगा रूट 7 प्लस रूट 5 का इस होल स्क्वायर अंडर रूट में, और आंसर आएगा रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, आंसर हो गया। अब एक सवाल और बचता है, रूट के अंदर 26 प्लस 15 रूट 3। ठीक है, रूट के अंदर 26 प्लस 15 रूट 3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होता है, यहाँ 15 रूट 3 है, ये 26 है। हर बार हमको या तो दो मिलता था, या तो यहाँ कुछ ज़्यादा वैल्यू थी, अंदर बाहर कुछ फैक्टर करके कर लेते थे, या यहाँ दो नहीं था, अंदर इतनी बड़ी वैल्यू थी कि हमने दो बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे क्या करें, ठीक है, यहाँ पे दो बनने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है कि यहाँ दो बना दे। तो जब ऐसी कंडीशन हो, कभी यहाँ पे ये वैल्यू रहे 15 या ना रहे, अगर यहाँ पे दो हमको जरूरी थे और यहाँ पे दो कभी बन नहीं रहा है, तो इसकी कंडीशन में एक ये हो सकती है कि हम दो से ऊपर गुणा करा दें और भाग दे दें। ठीक है, जैसे दो से गुणा और भाग करा सकते हो, दो से भाग करा दिया और दो से गुणा कराओगे तो 26 बन जाएगा 52 प्लस ये हो गया 30 रूट 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, ये 52 है, ये 30 रूट 3 है, यहाँ पे 1/2 है। अब यानी ये सवाल पूरी हमारी इस रूप में होगी, क्योंकि 1/2 यानी 2 का वर्गमूल ले लेंगे तो रूट 2 निकल ही आएगा बाहर। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए 52 प्लस 30 रूट 3 था, हमको 30 रूट 3 से देखना था, 30 रूट 3 ये 2ab का मान होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 15। ठीक है, दो से दो कट जाएगा, नहीं ए बी की वैल्यू है 15√3, आपको ऐसे फैक्टर करने थे, हमने थोड़ी देर पहले अभी किया था 3 × 5 कर लिया था, ए की वैल्यू ले 3√3 ले लो या बी की वैल्यू ले लो 5। ठीक है, कुछ भी कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा 5 + 3√3 का होल स्क्वायर अपान में ये 2 लिखा हुआ था। ठीक है, अब जब बाहर करोगे 5 + 3√3 और 2 का वर्गमूल लोगे तो आ जाएगा √2, यानी आपका आंसर कितना हो गया 5 + 3√3/√2। इस तरह से हमने जितने भी वर्गमूल इन संख्याओं के लेने थे उनके क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी कड़ी बड़ी है, कौन सी कड़ी छोटी है, तो उस पर क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब देखिए हमारे सामने तीन क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कड़ी कौन सी होगी। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप देखो पहले यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं 4, ये 3 है। अब यहाँ पे हमको देखना क्या होगा, अंदर यार बाहर वर्गमूल में कुछ है। अगर हमको ऐसा पता होता है यहाँ पे 3 लिखा है 15 है और यहाँ पे 3 लिख के 12 है, तो हम बता सकते हैं अगर यहाँ पे
तीन का मूल 15 है, ठीक है, तीन मूल 15 और तीन मूल 12 है, ठीक है, तब तो हम बता देंगे ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है। लेकिन जब यहाँ पे सब चीजें अलग अलग है, अंदर भी वैल्यू अलग अलग है और यहाँ पे जो इसका मूल दिया हुआ है 12 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, तब यहाँ पे यार कैसे करेंगे? तब उसके लिए देखिएगा आपको क्या करना होगा, आप पहले यहाँ पे इसके जो रूट है इसको बराबर करिए, यानी इसके सारे मूल को बराबर करना होगा। यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, 3, 4, 6 और 12, ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम लोगे कितना होगा 12 होगा। अब 3 से 12 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है, यानी हमको अगर यहाँ पे करना होगा तो 3 × 4 कर सकते हैं तभी 12 होगा, ठीक है। अगर आप 3 में इसमें भाग 4, अगर यहाँ पे 12 करना है तो यानी 3 का 4 से गुणा कराना होगा, 3 × 4 = 12 होगा, तो यहाँ 4 की पावर 4 भी करना होगा, जितने से यहां गुणा करा के 12 करोगे उतने की पावर करोगे। इसको किया, यहां पे देखते हैं ये 6 है, यहां पे लिखा है 4, अगर आपको यहां पे 12 करना है यानी 3 से गुणा कराना होगा यानी 6 की पावर भी 3 करना होगा। यहां पे देखते हैं 15 और यहां पे लिखा हुआ था 6, हमको करना है क्या 12, एलसीएम के बराबर करना है यानी 2 से गुणा कराना है यानी पावर भी 2 कर दिया। और यहां पे जब करेंगे 2√45 में यहाँ पे दिया था 12, अब यहाँ पे 12 ऑलरेडी हमको मिल गया, यहाँ कुछ करना नहीं था। जब इतना हो गया, देखिए 4 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 256, 6 की पावर 3 का मतलब होगा 216 और 15 का स्क्वायर यानी 215, ठीक है, और यहाँ पे 245 है। अब आपको बताना होगा जब हर जगह यहाँ पे 12 हो गया, देखिए यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, जब आपको हर जगह पे 12 मिल गया तो अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सब में देखोगे आपको बड़ी वैल्यू कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी कड़ी कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई। और अगर उसके बाद पूछता है सबसे छोटी कड़ी का मान बताओ, सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो जाएगी, ये, यानी इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी सबसे छोटी कड़ी आपकी, ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 225 हो रहा है, ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो सबसे छोटी कड़ी आपकी कौन सी आएगी, यहाँ पे देखिएगा ये ना आके यहाँ पे आ रही होगी, ये 216 वाली, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका सबसे छोटी कड़ी ये हो जाएगी, बड़ी ये और छोटी ये, क्लियर हो गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं एक सवाल से और समझते हैं, जैसे आपकी क्वेश्चन है 4, 3, 2, 6, 4, ठीक है, जब इसमें से करेंगे तब देखिए क्या होगा, यहां पे था 3, यहां पे 2 ही होगा, कुछ नहीं है, यहां 6, यहां 4 है, 6, 2, 4, 3 है, यानी 3, 2, 6 और 4, इनका एलसीएम निकालो कितना होगा 12 होगा। जब 12 हो गए तो यानी आपको यहाँ पे 12 बनाना था, 12 बनाने के लिए क्या करोगे आप 4 से गुणा करोगे, यानी 3 × 4 यानी 4 की पावर भी 4 करोगे, यहां पे करते हो, ठीक है, यहां पे 2 का 6 से गुणा करोगे, ठीक है, यानी 2 की पावर भी क्या करोगे 6, यहां पे 6 का 2 से गुणा करोगे 12 बनाने के लिए, यानी 3 का क्या करोगे स्क्वायर, और यहां पे 4 का 3 से गुणा करोगे यानी 5 का 3 से, जितने से यहां गुणा करने की जरूरत पड़ेगी उतनी पावर यहां पे लगा देना। अब इसका करोगे ये आ जाएगा 256, ठीक है, √12, यहाँ करोगे 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64, ठीक है, यहाँ भी जब करोगे तो ये 9 हो गया, यानी यहाँ आ गया 12 और यहाँ 25 × 25 = 125, ठीक है, यहाँ आ गया 12, ठीक, इतना हो गया। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी आपकी, ये होगी, और सबसे छोटी पूछेगा तो ये होगा, यानी यहाँ पे सबसे बड़ी कड़ी कौन सी हो गई ये, और सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो गई ये, यहाँ भी वही छोटे सी वैल्यू थी, आप यहाँ भी आसानी से कर लोगे, यानी कुल मिला के एलसीएम रखना है और उसके बाद जितना यहाँ एलसीएम के बराबर यहाँ करना है हमको, जितना एलसीएम होगा यहाँ करेंगे, अगर उसके यहाँ बराबर करने के लिए जो भी जितना कम होगा, जैसे यहाँ 3 था यानी हमको 4 से गुणा करा देंगे 12, तो यहाँ उतने की पावर लगा देना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आज हमने कर्डी के कुछ रूल पढ़े हैं, ये सब बेसिक से क्वेश्चन थे आपके, कुछ रूल थे। अब एक्चुअली इसके आगे का जो चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन है, वहां पे कर्डी के सारे रूल अप्लाई होते हैं और इनके जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम डिस्कस किए हैं, तो सारे क्वेश्चन भी वहीं डिस्कस करेंगे और वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।